अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमान सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। पाशा कुरैशी नामी शख्स से चंद्रायन गुट्टा बारकस की आवाम परेशान। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ की आवाम मीडिया के सामने आकर कह रही है। पाशा कुरैशी और उसके साथी मिलकर आवाम को परेशान कर रहे हैं और उनका पैसा लेकर उन्हें वापस नहीं दे रहे हैं। उमर अफारी, ख्वाजा इलियासुद्दीन जैसे कई लोगों को ये लोगों ने दम कर रखा है। कईयों के पैसे देना बाकी है तो कईयों को हर आए दिन हरासा किया जा रहा है। इसी के चलते लोगों ने आज मीडिया के सामने आते हुए सारी तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भाई, मेरा नाम ख्वाजा इलियासुद्दीन है। मैं बकरीद में वारकस के टर्निंग पे बकरे डाला था भेजने के वास्ते। एक पाशा कुरैशी बोल के आया, आगे इकबाल बिन खलीफा के फोन पे मेरे बात कराया। फोन पे बात करा के 5 बकरे लिया, 10,000 रुपये दिया। एक बकरा 6,000 रुपये का बकरा है। 5 बकरे लिया, 30,000 रुपये था 5 बकरों का रेट। 20,000 रुपये कल देता हूँ बोल के बोला, कल देता हूँ बोल के। अब जब ये पहलवाना वो पहलवाना बोल के इनसे डरा रहा उनसे डरा रहा। ये 20,000 रुपये का चेक है इन्हें दिया तो, और उसके पीछे भी लिखे हुआ है इनके बीवी के नाम पे लिख के दिया। और हरासमेंट कर रहा, रउडी है वो है ये बोल के डरा रहा इनके नाम पे। क्या बोलते थे, पूरा कंप्लेन लिखा हुआ एफआईआर का पूरा करने लगा हूँ। उसके बाद बोल रहा हूँ मुसलमान भैया दे दे मेरे पैसे, मेरे को कंप्लेंट भी नहीं करता मैं तेरे ऊपर। बोलता हूँ खाली पीली नाजायज हरासमेंट करा रहा, जिरे को जा रहा। वो जमील पहलवान कहते, वो कुंते की पहलवान कहते, उनसे पुना करा रहा। नहीं, कंप्लेंट नहीं करना, नहीं करे कंप्लेंट करे तो उनसे उनसे देखो बोल के तो पीटीआर दला के फंसा है तो कर देता हूँ बोरा। और जोरू को ले लेके जोरू के पीछे बगल में छुप जा रहा, बुजुर्ग स्त्री के सामने लेके आ रहा, लेके आके गैर जरूरी टाजर दे रहा। उल्टा पैसे लिया, बकरी में कुर्बानी करना है बोल के बकरे ले लेके सब ले लेके फिर सता रहा। कितने पैसे देने का है आपको? 30,000 रुपये थे, 30,000 रुपये में 10,000 रुपये दिया। 20,000 रुपये देता हूँ बोला, 20,000 रुपये देता हूँ बोल के 20,000 को फिरा रहा। वो पहलवान से बात करा रहा, वो पहलवान से बात करा रहा, मानने लगाए तो वो करने लगाए तो 20,000 रुपये का इतने मेंटली हरासमेंट करके इतना सता रहा साहब, इतना सता रहा कुछ बोलना नहीं। आप थे और पुलिस थे पूरों से, मेरे को गुजारिश है मेरे पैसे मेरे को दिला दो साहब। और इसका चेक बाउंस भी डाल के रख दियो और कंप्लेंट भी दे के रख दियो साहब। आप कितने पैसे देना है अभी? अब मेरे 20,000 रुपये देना है साहब। खाली प्लीज सता रहा मेरे को, मेंटल टॉर्चर कर दे रहा। और बारकस की टर्निंग पे साहब, बारकस की टर्निंग पे सीसी कैमरे में उन्हें आके मैं कहीं से बकरे ले गया तो बकरी के ईद के उसमें आके ले गया साहब। और मेरे को दे रहा भी नहीं, और मैं कंप्लेंट भी लिख के डालू इसके ऊपर। मैं हल्का चंद्रान गुट्टा बारकस से, मेरा नाम उमर अफारी है, सन ऑफ मैं सैद अफारी हूँ। मेरे को एक 2-4 दिन से बहुत अननेसेसरी टॉर्चर कर रही, हरासमेंट कर रही, मेंटली डिस्टर्ब कर रही। मेरा माइंड सरकास्टिक हो जा रहा और मेरे को मेंटली डिस्टर्ब कर रही, ये मेरे माइंड पे प्रेशर डाल रही। ये पाशा एंड ग्रुप है, पाशा एंड कंपनी, जोरू पाशा और जो पाशा के हेड है, हेड ऑफ पाशा, पाशा एंड गैंग, पाशा के जो ग्रुप टॉलरेट करते उनका नाम जमील है। उनकी ये फोटो है देखो, इनू साउथ जोन डीसीपी साहब, डीसीपी सत्यनारायण साहब इनको उठा के फाइनेंस का केस इनके ऊपर बुक कर रहे थे। इन्हों जेल को भी जा गया है, इनके ऑलरेडी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इन्हों कोर्ट को भी जाते आते रहते। पहले इनके पास वेपन था लाइसेंस के साथ, इनका लाइसेंस भी कैंसिल होगा, लाइसेंस जब्त होगा, इनकी रिवॉल्वर भी जब्त हो गई। और इनके एक घर में इनके खुद पर्सनल ओन 2 छोटे भाइया रोडी शीटरा है और इनके भाई एक ऑलरेडी उन्हों भी हाल हाल में जाके आए हुए फाइनेंस के केस में, उनको मीटर पे पैसे देते उन्हों है। असल सूदखोरा इन्हों है, असल मिट्टीखोर इन्हों है। ना खमा को नाजायज बदनाम कर रहे हैं, जालिम बने हुए जुलूम कर रहे हैं और आगे पीएस में अननेसेसरी हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं, वॉन्टेडली इश्यूज कर रहे हैं। ये इन्हों चार्जेस क्लेम कर रहे बोल के एलिगेंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, झूठे केसेस है। अगर हमारी पुलिस से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हमारी पुलिस से, बड़ी मेहरबानी होती कोई भी कभी भी आके कहीं भी कुछ भी कंप्लेन कर दिया तो अल्लाह के लिए इसे फेक कंप्लेन मत लो। कंप्लेन लिए बाद में पहले इन्वेस्टिगेशन करो, वेरिफिकेशन करो, इंक्वायरी करो। उसके बाद अगर हम मुजरिम है, हम वो केस में इन्वॉल्व है तो लीगल एलिगेंस जो चार्जेस लगते हैं हमारे ऊपर क्लेम करो, हम रेडी है। और मेरे को रोडी शीटर बोल के बदनाम कर रहे हैं, मैं कोई खानदानी रोडी शीटर या पैदाइशी रोडी शीटर नहीं हूँ। मैं ना कोई पैदाइशी मुजरिम हूँ, ना मैं खातिल हूँ, ना कुछ हूँ। एक दो मामूली छोटे मोटे झगड़ों में मेरी शीट खोल दिए और मेरे ऊपर 2-3 साल से कोई केस नहीं है मेरे ऊपर, और कोई रिमेनिंग और पेंडिंग केसेस नहीं है। मेरे को बदनाम कर रहे हैं, रोडी शीटर है। 2012 के बाद मैं कभी पाशा को फ़ोन नहीं करा। 2012 से उनके पूरे फ़ोन नंबर से और मेरे फ़ोन नंबर टैली करके मेरा अगर निकाल के बता लो कभी उनको फ़ोन करा क्या। और उनकी बीवी मोहतरमा आके ये बोल रही कि मेरे को रोडी शीटर आ फ़ोन करके डरा रही। इनका हस्बैंड क्या दूध का दूल्हा है या मस्जिद का इमाम है? अयूब खान पहलवान रौडी शीटर के साथ इनके हस्बैंड के फोटो आए, रौडियों से इनके ताल्लुकात सब इनके हस्बैंड के है, इन्हों हमारे को बोल रहे हैं। और इनका जो बॉस है, हेड ऑफ़ द गैंग, हेड ऑफ़ द लीडर, वो जमील पहलवान है।
उनका नाम जमील है और उन्हों मास्टरमाइंड है, इनके प्लानर है, इनको उन्हों पूरा रास्ता बताते, इनका सिंडिकेट चलाते जमील, उन्हों जो भी है उन्हों से। हुकूमत से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं फेवर कर रहा हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई एक्टिविटीज में मैं एक्टिव नहीं हूँ, मेरे को अननेसेसरी। इधर देखो, मैं इधर देखो, आप लोग अरे भाई एक स्टेटमेंट मेरे को भी देना है, इनके बाद मेरा लिया गया। दौड़ से बोलो लाउडली, आशा कुरैशी चोर है, पैसे खा ले, आप फ्रॉड है, वो सता रहे, बकरे बकरे का झूठे इल्जाम लगा रहे, निकालो ऐसा हमारा कलेरा भाई है, बस फंसा रहे हैं, पानी पीने के झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, बोल के बहुत लोगों के देने का है पैसे, हमारे देने का है। आप लोगों के कितने पैसे देना है जी? पैसे लेने के लिए बोले तो झूठे झूठे इल्जाम लगा दे रहे हैं। नहीं, आप लोगों के पैसे कितने देना है? आप कंप्लेन करने के बाद कोई एक्शन नहीं लेगा? आप कोई बीएस में कंप्लेन करें? आप गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।